गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB एंड वंस अगेन वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ अनदर चैप्टर एंड चैप्टर नंबर यू कैन सी हियर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग इंडिया. सो गेट रेडी फास्ट एंड वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. एंड नाउ कैन यू सी हियर डियर चिल्ड्रेन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ताजमहल इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे में सेटअप बिल्ड की गई है. ऑप्शन नंबर बी यमुना इज द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट वन इज दैट फतेहपुर सिकरी इज बिल्ट कंप्लीटली विथ, फतेहपुर सिकरी किस चीज से बना हुआ है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेड स्टोन. नेक्स्ट वन नंबर थ्री इज दैट कि मणिपुर इज सिचुएटेड इन डैश ऑफ इंडिया, मणिपुर हमारे कंट्री के कौन से हिस्से में है. नाउ दैट इज नॉर्थ ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर फोर, लोकटक लेक इज फेमस फॉर इट्स, लोकटक जो झील है ये किस लिए फेमस है, वहाँ के सुंदर सुंदर फूलों के लिए. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और किड्स. नेक्स्ट वन फाइव नंबर इज दैट वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर, कौन से नदी पर बनी हुई है, कावेरी नदी पर. तो व्हेन आई हैड विजिटेड कर्नाटका आई हैड आल्सो विजिटेड हियर वृंदावन गार्डन एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दिस वन. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कावेरी. दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रेन. And now next we proceed to question number B, that is fill in the blanks. Now dear children, fill in the blanks you can see here, help box you can see here, and let's we start from the first one. And first one is that ki India is a dash blend of tradition and costume. So first of all you have to understand the new word blend. Blend means kya hota, mixture, bahut sari cheezon ka mila hua roop. So what is given here ki the India is a dash blend of traditions and customs. तो इंडिया क्या है, बहुत सारे ट्रेडिशंस परंपरा और हमारे रीति रिवाज जो हमारे कंट्री में चलते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, है ना, कस्टम्स हैं. ये इंडिया को क्या बनाती है, ये इंडिया को यूनिक बनाती है, एक अनोखा देश बनाती है. सो वी हैव टू राइट हियर, यू हैव टू राइट हियर यूनिक. तो इंडिया इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. नेक्स्ट वन आगरा इज लोकेटेड इन डैश प्रदेश, आगरा कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में. तो यू हैव टू राइट हियर उत्तर, तो उत्तर प्रदेश. नाउ नेक्स्ट वन थ्री द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी, मणिपुर का जो पॉपुलेशन है वहां के जो लोग रहते हैं उसमें क्या है, बहुत सारे किस चीज का मिला हुआ रूप है, क्या है, दैट इज ट्राइब्स. वहां बहुत सारे जनजाति रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं. सो इन थर्ड यू हैव टू राइट हियर ट्राइब्स दिस वन. नेक्स्ट डियर चिल्ड्रेन मैसूर इज अ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ, मैसूर जो है एक ऐतिहासिक शहर है. आई हैड ऑल्सो विजिटेड मैसूर, मैसूर में मैं गया था कब, जब मैं बीएड कर रहा था ना, एजुकेशनल टूर में मैं गया था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा. एंड नाउ तो मैसूर इज अ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ डैश, यहाँ पर क्या होगा, दिस वन कर्नाटका, कहाँ पर ये, कर्नाटका, कर्नाटक है ना, कर्नाटका. नाउ नेक्स्ट वन इज फाइव आवर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मस्ट बी, हमारे जो देश की जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, मोनूमेंट्स है, स्मारक है, इसे क्या करनी चाहिए, हमें बचानी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो यू हैव टू राइट हियर प्रिजर्व दिस वन, तो आवर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मस्ट बी प्रिजर्व दिस वन कंप्लीटेड योर चिल्ड्रन बी. नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सी एंड दैट इज मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको मैच करनी है डियर चिल्ड्रेन. सो मैच वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन कहाँ मैच करनी है, वृंदावन गार्डन वी हैव टू, मणिपुर नहीं होगा, वेल प्लान मैसूर कैबुल मैसूर, वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर, तो यू हैव टू मैच विद सी. नेक्स्ट वन फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम होगा यहाँ पर, टू का डी, फतेहपुर सिकरी वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम. फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग पार्क दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैबुल लेमेजाओ नेशनल पार्क, व्हाट अ नेम. नाउ जेवेल ऑफ इंडिया, जेवेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है,
मणिपुर. तो फोर यू हैव टू मैच विथ ई. एंड दिल्ली आगरा जयपुर, इसे गोल्डन ट्राइंगल कहा गया है. सो दिल्ली आगरा जयपुर मैच विथ ऑप्शन नंबर ए. दिस वन कंप्लीटेड योर चिल्ड्रन. इजी यू कैन कंप्लीट एंड ऑल्सो इजी यू कैन प्रैक्टिस एंड लर्न. ओके सो लेट्स वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी. दैट इज द क्वेश्चन आंसर. तो आंसर ब्रीफली, नेम टू ट्रेन्स बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. सो लेट्स वी स्टार्ट. ऑलरेडी आई हैव टाइप्ड एंड रिटेन. आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्सो एंड एक्सप्लेन ऑल्सो. ओके नाउ डियर चिल्ड्रेन, यू कैन सी फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर डी वन इज दैट नेम टू ट्रेन्स बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. आगरा और दिल्ली के बीच में जो कोई भी बहुत सारी ट्रेन चलती है, आपको केवल दो ट्रेनों के नाम लिखनी है जो आगरा से दिल्ली के बीच में चलती है. तो इन आवर बुक इट हैज बीन गिवन हियर द ताज एक्सप्रेस एंड द पैलेस ऑन व्हील. मैंने यहाँ दो बार टाइप किया ऑन, आपको दो बार टाइप नहीं करनी है, सिंगल आपको लिखनी है कॉपी में. ओके तो मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, इरेज तो नहीं होगा बट मैं डार्क करता हूँ उसको. ओके द पैलेस ऑन व्हील, दो एक्सप्रेस है. अब ऐसा नहीं कि आपको दो ही एक्सप्रेस रट्टा मारनी है, रोटेड मेमोरी करनी, बिल्कुल नहीं. और भी बहुत सारी एक्सप्रेस चलती है, ट्रेन चलती है, आपको यदि दूसरे लिखना है अनदर, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट अनदर एक्सप्रेस, अनदर ट्रेन्स नेम. ओके तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू इज दैट डी टू, हु बिल्ड द ताजमहल. ताजमहल को किसने बनाया? तो ताजमहल को तो मैंने तो नहीं बनाया, आपने बनाया होगा तो पता नहीं. तो यहाँ पर किसने बनाया है ताजमहल? ताजमहल बनाया है शाहजहां ने, है ना. यू हैव टू राइट हियर कि शाहजहां बिल्ड द ताजमहल. हो गया कंप्लीट, ज्यादा लिखने जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर डी थ्री इज दैट नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत, तो आपको ऑलरेडी मालूम है इसको ईस्टर्न इंडिया कहते हैं, है ना. ईस्टर्न इंडिया, एक याद आ गई मेरे को, एक कमेंट आई थी जिसमें किसी ने कहा था कि आपको सर कृपया हिंदी में भी एक्सप्लेन करें. तो यहाँ ऑलरेडी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ बट ऐसा नहीं कंप्लीट आपको हिंदी बताऊँगा, एक एक चीज़ का एक एक वर्ड का मैं हिंदी बताऊँगा तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम है. बट आपको समझने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्विंस कर एक्सप्लेन करने में या इसको अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत ना हो आपको. ओके सो ईस्टर्न इंडिया, अब आप बोलोगे ईस्टर्न इंडिया का भी हिंदी बताइए, तो इसकी कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है ना. तो ईस्टर्न इंडिया, और काफ़ी आपकी वीडियो भी क्लास भी लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत हिंदी भी यूज़ कर लूँ और बेसिकली इंग्लिश ही यूज़ करना है. ओके सो चलिए, थैंक्स फॉर सजेशन बोथ ऑफ देम, दो लोगों ने पूछा था. नाउ नेक्स्ट वन, तो डी थ्री नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्टर्न इंडिया के दो फ्रेश वाटर लेक. अब फ्रेश मीन्स क्या होता है मालूम होगा, इसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है. तो फ्रेश वाटर लेक, लेक मीन्स झील होती है ना. तो आंसर विल बी लोकटक लेक, दैट्स इट. आप इतना भी लिखेंगे चलेगा, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ म्यूजियम. म्यूजियम क्या होता है? यू कैन राइट आंसर इन दिस वे, अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर ओल्ड हिस्टोरिकल थिंग्स आर कैप्ट. म्यूजियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर पुरानी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को रखी जाती है, वहाँ प्रिजर्व की जाती है, रखी जाती है. आप विजिट कीजिए किसी म्यूजियम को और वहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रखी जाती है, ऐतिहासिक चीज़ों को रखी जाती है, हिस्टोरिकल. आई हैड विजिटेड रेड फोर्ट, दी रेड फोर्ट. तो मैं रेड फोर्ट वहाँ पर गया था, विजिट किया था कब, 2000 में, है ना. तो मैंने देखा बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है, आप भी जाएंगे और देखेंगे. नेक्स्ट वन, वॉट इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन. वृंदावन गार्डन में स्पेशल बात क्या थी, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं? तो है तो ठीक है, अच्छी बात है. और आई टोल्ड यू ऑलरेडी आई हैड विजिटेड देयर, मैं वहाँ पर गया था जब मैं बीएड कर रहा था, तो मैं भी वहाँ इंजॉय किया था. किसमें? म्यूजिकल फाउंटेन, एक म्यूजिकल फाउंटेन है और म्यूजिक के साथ वहाँ पर शॉवर जो वाटर है वो निकलती है शॉवर में, ठीक है, काफ़ी हाइट तक जाती है और उसमें कलर भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ किया जाता है, कलरफुल वाटर दिखती है और म्यूजिक के धुन पर वहाँ पर वाटर निकलती है. ये अट्रैक्शन का वहाँ पर है. सो यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे, द म्यूजिकल फाउंटेन इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन, दैट्स इट. सो डियर चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीटेड एंड नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर ई. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर ई वन इज दैट
व्हाट मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंडिया में है ना, इंडिया जो है टूरिस्टों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो चुका है, यानी आने वाले एक फेवरेट प्लेस हो चुका है हमारा इंडिया टूरिस्टों के लिए, विदेशियों के लिए या घूमने वाले लोगों के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर यूनिक है? आंसर यू कैन राइट डियर चिल्ड्रन दिस वे, दी वंडरफुल ब्लेंड मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो हमारे कंट्री में जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, पहनावा ओढ़ावा है, ड्रेसेस है, ये जो मिक्सअप है, ब्लेंड मीन्स क्या होता है, मिक्सअप है ना, मिक्सचर यानी बहुत सारी चीज़ों का मिलावा रूप। तो हमारे कंट्री में जो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट ड्रेस है, डिफरेंट कॉस्ट्यूम, डिफरेंट ट्रेडिशन कस्टम, ये हमारे इंडिया को यूनिक बनाती है और इसी चीज़ ये जो है यही ये जो वंडरफुल ब्लेंड है हमारा कंट्री का, ये टूरिस्ट को हमारे कंट्री में खींचते हैं और ये हमारा कंट्री एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है टूरिस्टों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, ओके, या जो घूमने आते हैं ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। सो दिस वन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर E2। एंड डियर चिल्ड्रेन E2 इज दैट कि लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की 3 विशेषताएं बतानी है, 3 फीचर्स आपको बतानी है, क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट वन इज दैट कि दी आगरा टाउन वॉज बिल्ट इन रेड स्टोन। आगरा टाउन जो बसी थी वो किस पर बनाई गई थी, रेड स्टोन पर बनाई गई थी। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फीचर आप लिख सकते हो डियर चिल्ड्रेन, द सिटी इज फुल ऑफ मेनी फेमस बिल्डिंग्स। ये जो सिटी है फतेहपुर सीकरी, यहाँ बहुत सारे आप बिल्डिंग्स को देख सकते हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। एंड थर्ड वन, द टाउन हैड वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। ये जो फतेहपुर सीकरी शहर है इसमें क्या है, यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है और वाटर सप्लाई, ड्रेनेज मीन्स जो नालियों की जो व्यवस्था होती है, नाला नाली होती है ना, उसकी जो व्यवस्था होती है, पानी जहाँ से आउटलेट बनती है, तो ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, और वाटर सप्लाई तो बताने की जरूरत नहीं है। सो द टाउन हैड वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। तो दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। एंड नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। मणिपुर के 2 प्लेस के बारे में बतानी है आपको, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वो दोनों प्लेस टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन प्लेस है, लोग वहाँ आकर्षित होते हैं और वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। कौन कौन से 2 प्लेसेस हैं, तो बुक में 3 और 4 प्लेसेस दी गई है, आप उनमें से कोई भी 2 प्लेस लिख सकते हो, मैंने यहाँ 2 लिखा है। फर्स्ट वन, श्री गोविंदा जी टेम्पल। नाउ यू हैव टू राइट ऑल्सो 1 or 2 लाइन अबाउट दिस वन, आपको 1 या 2 लाइन लिखनी भी है इसके बारे में, क्योंकि क्या व्हाट इट हैज़ बीन टोल्ड, ब्रीफली डिस्क्राइब, संक्षिप्त में इसको डिस्क्राइब करनी ही बतानी है। आज की वीडियो तो लंबी हो जाएगी, हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों सुनाओ। नेक्स्ट वन, तो आंसर इज दिस वन कि श्री गोविंदा जी टेम्पल फर्स्ट अट्रैक्शन। व्हाट यू कैन राइट अबाउट दिस वन, यू कैन राइट अबाउट दिस वन, द टेम्पल वॉज अ हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाराजा। तो महाराजा के समय ये जो टेम्पल है ये किसका सेंटर था, किसका केंद्र था, कल्चरल एक्टिविटीज़ का, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर होते थे, कल्चरल एक्टिविटी होती थी और इसलिए ये फेमस था, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन यू कैन मेंशन लोकटक लेक, लोकटक झील। यू कैन राइट अबाउट दिस वन, क्या लिख सकते हो इसके बारे में कि लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया। तो लोकटक लेक जो है ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर की झील है, ताजे पानी की झील है। नाउ दिस वन कंप्लीटेड, नेक्स्ट वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E4। तो हाईलाइट 3 मेन फीचर्स ऑफ द मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस की 3 विशेषताओं के बारे में लिखना है। मैसूर पैलेस, आई हैड ऑलरेडी विजिटेड मैसूर पैलेस, बहुत ही अच्छा लगा। सो 3 फीचर्स आपको लिखनी है, आई हैव रिटेन हियर। फर्स्ट वन, इट वॉज द रेसिडेंस ऑफ द उडियार रूलर्स। ये जो मैसूर पैलेस है, मैसूर का जो महल है, ये कौन से वंश का था, उडियार डायनेस्टी का था, है ना, उडियार रूलर, रूलर में शासक होता है, डायनेस्टी नहीं होती है, वंश नहीं होता, डायनेस्टी मीन्स वंश होता है। तो यहाँ ये जो राजा थे ना यहाँ पर मैसूर पैलेस में, ये उडियार वंश के थे, है ना, तो उसे रूलर भी कहेंगे, शासक को उडियार रूलर्स। सो फर्स्ट फीचर इज दैट इट वॉज द रेसिडेंस ऑफ द उडियार रूलर्स। ये मैसूर पैलेस में कौन रहते थे, उडियार डायनेस्टी के लोग रहते थे, उडियार शासक रहते थे। फर्स्ट, नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट फीचर यू कैन राइट द पैलेस इज नाउ अ म्यूजियम. अब जो वो महल है उसको गवर्नमेंट ने ले लिया है और उसे एक म्यूजियम बना दिया है. अब वो म्यूजियम के रूप में यूज होता है. बट मैंने ऐसा सुना है कि जब दुर्गा पूजा का समय होता है उस समय राजा राज परिवार जो है वहाँ पर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा को, फिर अपने नए वाले महल में चले जाते हैं जो काफ़ी वहाँ से पास में ही बनी हुई है. मैंने देखा नहीं है बट मैंने सुना था, वहाँ लोगों ने कहा था. ठीक है नाउ तो सेकेंड वन दिस वन एंड नेक्स्ट वन नेक्स्ट फीचर द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन इज द मेन अट्रैक्शन. वहाँ का मेन जो अट्रैक्शन है, मुख्य जो आकर्षण है वो क्या है, वहाँ पर एक सिंहासन बना हुआ है. थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, बड़ी सी कुर्सी जिसमें राजा बैठते थे, वो गोल्डन रॉयल एलिफेंट उसका नाम है. एलिफेंट का रूप दिया गया है उसमें ऊपर थोड़ा सा, और मैंने देखा तो नहीं है, एक होप कर सकता हूँ ऐसा होगा, और सोने की बनी होगी इसीलिए उसका नाम गोल्डन रॉयल एलिफेंट रखा गया है. वैसे मैंने वहाँ पर देखा था एक डोर थी, है ना, दरवाज़ा जो कंप्लीट सिल्वर की बनी थी, चांदी की, प्योर चांदी की दरवाज़ा, चांदी की बनी हुई थी, ये मैंने देखा था वहाँ पर. तो दैट इज़ ऑल्सो, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन इज द मेन अट्रैक्शन. फीचर्स कंप्लीटेड, थ्री फीचर्स. एंड नाउ नेक्स्ट प्रोसीड, नेक्स्ट वन E5 इज दैट व्हाट रोल डज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट. यदि हमारे कंट्री में या कहीं पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, आने आने जाने के लिए गाड़ी की सभी जगह व्यवस्थाएं हो अच्छी तरह से, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने में कहाँ तक इसकी भूमिका होती है, कहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कौन सा? गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छी व्यवस्था आने जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, इससे कहाँ तक? तो भाई जहाँ पर गाड़ी अच्छी चलेगी, जहाँ सुविधा रहेगी आने जाने की, तो वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे, है ना, लाइक करेंगे. तो ये टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है. नाउ आंसर, आप आंसर कैसे लिखेंगे? हाउ यू कैन राइट द आंसर? आई हैव रिटन इन दिस वे, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेक्स द टूर इजी एंड कंफर्टेबल दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट. तो यदि मान लो कहीं पर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आने जाने की सुविधा है, तो ये हमारी जर्नी को क्या बनाती है, बहुत ही ईजी बना देती है और बहुत ही कम्फर्टेबल यानी बहुत ही आरामदायक बनाती है. तो जहाँ ईजी वे ईजी हमें आने जाने के लिए मिलेगा, जहाँ हमें कम्फर्टेबल फील होगा, तो वहाँ हम जाना पसंद करेंगे ना, बिल्कुल पसंद करेंगे, आप भी लाइक करेंगे. तो दैट दिस थिंग अट्रैक्ट टूरिस्ट. ओके नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर E6 व्हाई आर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स नॉट अलाउड नियर ताजमहल. ताजमहल के आसपास में वहाँ पर पेट्रोल की गाड़ियाँ या डीजल की गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, वहाँ नहीं चलाने की अलाउ है. क्यों नहीं है? व्हाट इज द कॉज? नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल. बस इतना भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने पूरा लिख दिया है क्वेश्चन का, यहाँ पर नो डाउन किया है. ओके तो टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल डीजल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड नियर ताजमहल. तो ताजमहल की ब्यूटी को बचानी है, वहाँ की उसकी सुंदरता को बचानी है, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो वहाँ पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन के कारण वो गंदगी हो जाएगी, उसकी जो कलर हो वाइट कलर वो फेड अप हो जाएगा ना. तो उसकी सुंदरता को बचाने के लिए ताजमहल के आसपास में पेट्रोल व्हीकल्स या डीजल व्हीकल्स को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है. ओके सो दिस वन कंप्लीटेड, ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रेन. तो आपको क्वेश्चन से कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. और इसके साथ एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट द मैप स्किल. तो मैप स्किल भी मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट. सो नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू मैप स्किल. वी हैव टू कंप्लीट दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू कंप्लीट द मैप स्किल एंड पेज नंबर यू कैन सी 86. सो लेट्स वी सॉल्व द मैप स्किल. तो फर्स्ट वन इट हैज बीन आस्क्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द क्वेश्चन डियर चिल्ड्रेन. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? कि ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल एंड कलर द फॉलोइंग. आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेंगे, इसमें आपको लोकेट करनी है यानी ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है, लेबल करनी है यानी उसको लिखनी है, एंड कलर करना है उस प्लेस को. ओके सो लेट्स वी सी व्हाट इज गिवन. तो फर्स्ट वन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट डियर चिल्ड्रेन द गोल्डन ट्राइंगल. द गोल्डन ट्राइंगल, तो गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये जो प्लेसेस है इसे आपको फाइंड आउट करनी है और इसी को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली का लोकेशन मान लो कि यहाँ पर है, तो दिल्ली और फिर आगरा और ये जयपुर, ये एक ट्राइंगल बनाती है इस तरह से, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज गोल्डन ट्राइंगल. सो आई विल शो यू इन द मैप. सो नाउ एवरीथिंग ऑल द थिंग्स
I am going to show you in the map. So let's we see the map. And now dear children, can you see? This is the map. Okay. And this is the location of Delhi, this is Agra, and this is Jaipur. Can you see triangle? तो इस तरह से ट्राइंगल बनती है यहाँ पर, एंड दिस इज नोन एज गोल्डन ट्राइंगल. तो दिस वन आपको क्या करनी है, दिल्ली को यहाँ कलर करनी है, दिस वन यू हैव टू कलर करनी है, और ये जयपुर का प्लेस को कलर करनी है. एंड दिस वन कंप्लीटेड. एंड नाउ नेक्स्ट वन, जेवेल ऑफ इंडिया. इंडिया का जेवेल किसे कहा जाता है, मणिपुर को. तो वेयर इज मणिपुर, दिस वन, दिस इज मणिपुर. तो ये कंप्लीट आपको इस तरह से, ये जो मणिपुर का स्टेट है, इस मणिपुर स्टेट को क्या करनी है आपको, इस तरह से कलर कर देनी है और लिख देना यहाँ पर मणिपुर. ओके. और मैप में साइड में जो प्लेस दी जाती है, बॉक्स जो रहती है ना बॉक्स में, तो यहाँ पर आप इसको भी कलर कर सकते हो. जिस कलर से आप इसे कलर करोगे, सेम कलर यू हैव टू फिल दिस बॉक्स. ये बॉक्स आपको अलग से मैप में बनानी है. ओके. एंड ऑल्सो यू कैन पुट द नंबर, आप नंबर भी दे सकते हो. सपोज जिसमें देखो यहाँ पर जेवेल ऑफ इंडिया सेकेंड नंबर पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, इसको कलर करके यहाँ पर नंबर टू भी लिख सकते हो. और बॉक्स जो बनाएंगे आप, यहाँ पर नंबर टू लिखेंगे और डैश देके यहाँ पर लिखेंगे जेवेल ऑफ इंडिया, या फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे मणिपुर. मैं यहाँ मोबाइल पर लिख रहा हूँ, आपको मैप पर लिखना है. ठीक है, मैप के साइड में. दिस वन कम्प्लीटेड. नेक्स्ट में है स्टेट वेयर ताजमहल इज लोकेटेड. तो ताजमहल का स्टेट क्या होगा, यूपी. यूपी कहाँ पर है, यूपी आपको ढूंढनी है. दिस वन उत्तर प्रदेश. ये पूरा एरिया जो आपको कलर करनी है, ये कंप्लीट क्या है, उत्तर प्रदेश. और ये पूरा कंप्लीट आपको क्या करनी है, किसी भी कलर से कलर कर देनी है. तो ये लोकेट हो गई. और लेबल आपको यहाँ उत्तर प्रदेश लिख देना है, या फिर साइड में जो बॉक्स रहेगी उसमें आप देंगे नंबर थर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट में यूपी. ओके. नाउ दिस वन कंप्लीटेड डियर चिल्ड्रेन. नेक्स्ट में है द नेबरिंग टू नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के कोई भी दो पड़ोसी स्टेट को आपको लोकेट लेबल करनी है. तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ. सपोज दिस वन, ये क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश. पूरा जब मैप में देखेंगे तो ये कंप्लीट मैप आपको दिखेगी, कंप्लीट स्टेट उत्तर मध्य प्रदेश. आप इसको कलर कर सकते हो. नेक्स्ट में देखो ये बिहार है, तो ये बिहार को भी आप शो कर सकते हो. फिर आप दिल्ली को शो कर सकते हो. यहाँ देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड को शो कर सकते हो. तो जो भी स्टेट उत्तर प्रदेश के बाउंड्री से टच है, किसी भी एक स्टेट को, ये राजस्थान है देखो यहाँ पर भी, तो किसी भी एक स्टेट को जो आपको इच्छा हो, वट एवर यू लाइक यू कैन कलर. ओके. सो दिस वन कम्प्लीटेड. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट मैप वर्क इज दैट टू नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मणिपुर. मणिपुर का दो नेबरिंग स्टेट, दो पड़ोसी राज्य जो है, इसे आपको लोकेट एंड लेबल करनी है. तो मणिपुर, अगेन वी हैव टू गो टू मणिपुर. चलिए, विदाउट मनी, विदाउट टिकट, वी हैव टू गो टू मणिपुर. पैसे लगे आपको जाने मणिपुर, नहीं ना, बिल्कुल नहीं. बिना खर्च के आप मणिपुर पहुंच गए. और मणिपुर में क्या करना है, टू नेबरिंग स्टेट्स को आपको लोकेट एंड लेबल करनी है. दो, एनी टू. अब यहाँ कितने स्टेट्स हैं, देखो एक नागालैंड है, ये नेबरिंग स्टेट्स है. इसके बाद आसाम है, ये आसाम भी नेबरिंग स्टेट है. और ये मिजोरम, ये भी नेबरिंग स्टेट है. तो आपको क्या करना है, टू स्टेट्स को कलर करनी है. या तो आप नागालैंड और मिजोरम को करें, आसाम और मिजोरम आप कर सकते हो, आसाम और मणिपुर आप, मणिपुर नहीं, ये नागालैंड कर सकते हो. एनी टू, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों में से कोई भी दो स्टेट को आप कलर करके दिखा सकते हो कि मणिपुर के ये नेबरिंग स्टेट्स हैं. ओके डियर चिल्ड्रेन. तो दिस वन ऑल क्वेश्चंस आर मैप वर कंप्लीटेड. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू प्रोसीड टू चैप्टर नंबर 10. वी विल कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 10. ओके डियर चिल्ड्रेन. तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो, या किसी तरह कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊँगा, आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगा, मैं आंसर दूंगा. ओके. तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. ओके लव यू, हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.